Hi guys, this is Neil Nathan Mukesh and you're watching me on poppollywood.com. Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from poppollywood.com. हाय मैं हूँ तुषा और आप देख रहे हैं पॉप बॉलीवुड। आज हमारे साथ हैं द मोस्ट टैलेंटेड हैंडसम एंड स्टनिंग एक्टर नितिन मुकेश जो आए हैं अपनी नई मूवी दशहरा के साथ। चलिए जानते हैं मुनी से उनकी फिल्म दशहरा के बारे में। हाय वेलकम ऑन पॉप बॉलीवुड। थैंक यू। अपनी फिल्म के बारे में बताइए, क्या स्टोरी लाइन है, कैसे आपने निभाया ये रोल? दशहरा इज अबाउट अ कॉप कॉल्ड रुद्र प्रताप सिंह। इन्हें एक केस हैंडओवर किया गया है जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए ये आए और इन्वेस्टिगेशन पे मालूम पड़ता है कि इट्स अ पॉलिटिकल सेट आया। पांच मर्डर हुए हैं इस फिल्म में, तो जिसकी तहकीकात के लिए ये आगे बढ़ते हैं। फिर इन्हें समझ में आता है कि ये तहकीकात करते करते खुद की फैमिली पर क्या असर पड़ रहा है और एक किस्म से एक अटैक होता है इनकी खुद की फैमिली पर। उसके बाद इन्होंने क्या एक स्टैंड लिया और ये देश के साथ अपने लोगों के साथ किस तरीके से ये एक किस्म की बैटल जो है लड़ाई करते हैं और कैसे बुराई की जो है वो नाश करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, होता है। जी हाँ। अच्छा, बात करते हैं, आपने ये फिल्म बहुत ही पहले शूट की थी, राइट? मतलब हाँ। तो तभी आपने कहा था कि ये कैरेक्टर डेवलप करने के लिए आपको एक अलग लेवल पे जाना पड़ा, तो आपके प्रिपरेशंस क्या थी उस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए? कैसे आपने रोल को बैलेंस किया, क्योंकि रुद्र प्रताप सिंह का जो रोल है तो आपने बोला बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो प्लीज़ आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। सी, रुद्र का कैरेक्टर जो है, जो किरदार है इस फिल्म में, उसके दो पहलू हैं। एक तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड है, और दूसरा पहलू जो है वो एक पति भी है, तो एक किस्म का इमोशन और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है फिल्म में। अब उसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। दूसरी बात ये कि जब मैंने ये फिल्म निभाई उस समय मैं खुद करीबन 5-6 साल यंगर था। उस समय शादी भी नहीं हुई थी, ना बच्चा हुआ था, तो एक किस्म की मैच्योरिटी लेवल थी नहीं। मगर क्योंकि पुलिस अफसर का रोल निभाना था, तो आई हैड टू काइंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ शोल्डरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म एंड यू नो गोइंग आउट देयर फॉर द पब्लिक। सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक ऑटोमेटिकली एक किस्म से मैच्योरिटी आई जाती है जब आप एक वर्दी पहनते हैं, तो वही चीज़ हुई। एंड आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड अ ग्रेट टीम हेल्पिंग मी अराउंड एंड दे हेल्प मी सीइंग एवरीथिंग। रोल्स जैसे कि आपने ऑन स्क्रीन बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस तो कर चुके हैं, पर आपके घर में एक नई बीबी आई है जो बोलते हैं लक्ष्मी गॉडेस का रूप होती है, तो आप रियल लाइफ में, रील से रियल लाइफ में आप कैसे बैलेंस करते हैं ये दो चीज़, एक्टिंग करियर और अपना जो अपने फादर का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब रहता है? वेल, आई थिंक यू समवेयर हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर एक्टिंग करियर व्हेन यू कम बैक होम, बिकॉज देयर समबडी एल्स इज एक्टिंग अप एंड यू हैव टू टेक responsibility of her. तो बस जब घर आता हूँ तो जब उससे मिलता हूँ तो जानता हूँ कि अब पूरा अटेंशन उसे ही देना होता है। और ज़्यादातर एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही अटेंशन सीकिंग होते हैं खुद, तो अब मैं मेरे घर में मैं अब अटेंशन सीक नहीं कर सकता क्योंकि वो अटेंशन किसी और ने मेरे से छीन ली है। बात कर रहे थे जब हम दशहरा की, इस साल का दशहरा बहुत ही ज़्यादा खुशी भरा भी था और एक कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट भी हुआ था जिस पंजाब का, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप अपनी कैसी सहानुभूति देंगे उन? माय कंडोलेंसेस टू द एंटायर नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सच अ बिग ट्रेजेडी, ऑल्सो विद ऑल द फैमिलीज ऑफ द सैड पीपल, बट ऑल्सो दिस शुड बी एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड safety is most important. So that's why there's a saying called precaution better than cure. So it was very unfortunate, but precaution should be taken. मूवी में आप पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, आपने किस तरह से सबको प्रोटेक्ट किया है? जैसे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल होता है बचाना, हीरो, राइट? तो आपने किस तरह से उन्हें किया? और आपने बताया भी जरूर था कि वुमेन एम्पावरमेंट का भी कुछ पार्ट है इस मूवी में, बहुत ही मतलब गहरा, जैसे कि अभी चल भी रहा है #MeToo का जो चीज़ें चल रही है, तो आपने बताइए आपने कैसे अपने एक रोल वो निभाया पुलिस इंस्पेक्टर का? वेल, ये तो आप फिल्म देख के मुझे बताइए कि मैंने रोल कैसे निभाया, क्योंकि
इसका जज मैं नहीं बन पाऊंगा। आपने क्या क्या मतलब इविल से आपने प्रोटेक्ट किया है मूवी में? वही तो चीज़ आपको देखनी चाहिए, अगर अब बता दिया तो फिर देखने लायक कुछ बचेगा नहीं। बट या इट्स अ ग्रेट टॉपिक और बहुत ही एक डेलिकेट टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट पे। तो मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही एक अच्छी तरीके से इसे रचाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर आके एक बार ये फिल्म ज़रूर देखें। जॉनी गद्दार से अभी आपकी जो फिल्म आ रही है दशहरा, उसमें आपके करियर में कितना डिफरेंस आया है, आपने कैसा बदलाव लाया, वो थोड़ा एक छोटे से जस्ट में आप बता दीजिए। आसान नहीं होगा कि कितना टाइम हो गया है, बट 12 साल की जर्नी है। हाँ। 25 फिल्म हो चुके हैं और इन फिल्मों में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों के साथ काम करने को मौका मिला, मगर हर दिन मुझे लगता है कि एक नया एक्सपीरियंस है, एक नया कुछ, आज कुछ और नया एक सीखने को मिला। तो आई थिंक दैट लर्निंग प्रोसेस विल नेवर बी ओवर टिल यू नो आई कीप डूइंग फिल्म्स एंड द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट इट इज दैट इट्स गिवन मी अ लॉट। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर इंडस्ट्री एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अब तक इतनी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बात कर रहे थे हम आपकी नई मूवीज़ के, तो आपकी नई मूवी साहो भी आ रही है जो बहुत ही बड़ी चीज़ है, राइट? तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्रभास के साथ काम करना और श्रद्धा कपूर के साथ काम करना कैसा रहा एक्सपीरियंस, और क्या था मतलब आपका पूरा जर्नी ऑन सेट्स ऑफ साहो? साहो इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ माय करियर। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं साहो का एक हिस्सा हूँ। सुजीत ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उस फिल्म का हिस्सा बन पाऊँ। प्रभास इज जितना उनके बारे में कहें उतना कम है, बहुत ही नेक दिल इंसान है। श्रद्धा है शॉक्ड मी बाय हर परफॉर्मेंस बिकॉज शी इज आई सॉ हर स्पीकिंग इन तेलुगु एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट शी इज़ डन एक्सीडिंगली वेल एंड शी शोल्डर्ड द फिल्म ब्यूटिफुली। इट्स अ बिग फिल्म, the whole nation's awaiting the film. कल प्रभास का बर्थडे भी था। हाँ जी, प्रभास ने उनको विश किया, क्या विशेस दिए, कैसे सेलिब्रेट हुआ? Always it birthday demands special wishes, but all my good wishes to him always. बात कर रहे हैं सेलिब्रेशन की, रणवीर और दीपिका की अभी बॉलीवुड में शादी होने वाली है, मतलब ऑन रियल लाइफ, तो आप कैसे उनको विश करेंगे और आप कैसे उनके साथ हैं? Well, I will definitely go and attend the function. I will you know support my love for them and I will 110% shower all my blessings to the married couple. Thank you for having us over here. It was a really nice meeting you. Thank you.